आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जेपी पावर स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को डिस्कस करें इससे पहले अगर आप ओवरऑल पावर सेक्टर को देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे कि पिछले वन मंथ से ये सेक्टर कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है और पिछले वन मंथ का रिटर्न अराउंड 2% के आसपास का रहा है। तो ओवरऑल इस समय जेपी पावर को देखें तो जेपी पावर आफ्टर करेक्शन ऑफ अराउंड 25% अभी भी स्टॉक देखेंगे तो वो बुलिशनेस इस स्टॉक में नहीं दिख रहा है और अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ह्यूजली कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है पिछले 5 से 7 दिनों से, और ये सपोर्ट है अराउंड 6 रुपीज के आसपास का। तो मेरा पर्सनली मानना है ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जिनकी बाइंग अराउंड 7 रुपीज के आसपास का है, उनका क्वेरी इस स्टॉक के रिगार्डिंग आते रहता है कि सर इस समय एवरेज आउट करें या फिर एग्जिट करें। तो मेरा पर्सनली मानना है कि इस समय ना ही आपको एवरेज करना चाहिए ना ही एग्जिट करना चाहिए। ह्यूजली कंसोलिडेशन इस प्राइस पे आते हुए दिख रहा है और मैक्सिमम डाउन ट्रेंड अगर 6 रुपीज के लेवल को तोड़ता है तो 4.80 रुपये 5 रुपये तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। सेफ ट्रेडर इस समय बाइंग करने की गलती नहीं करें, आपने 7 रुपये के ऊपर के क्लोजिंग तक के लिए वेट करना चाहिए। अगर आप ह्यूज क्वांटिटी या फिर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस 3 से 5-7 दिन का होता है 12-15-20% के रिटर्न के लिए, तो इस समय ह्यूजली कंसोलिडेशन वो भी डाउनसाइड दिख रहा है। तो उन सभी इन्वेस्टरों के लिए जिन्होंने लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से ऊपर की बाइंग कर रखी है तो इस समय एवरेज आउट करने से बचे, क्योंकि अगर 6 के लेवल को ब्रेक करता है तो एक आइडियल बाइंग प्राइस आपको मिल सकता है। तो इस समय कंसोलिडेशन वो भी डाउन ट्रेंड में है तो इस समय वेट करना चाहिए नीचे के लेवल 5 रुपये के आसपास के लिए। अपर साइड अगर 7 के लेवल को ब्रेक करता है तभी फ्रेश बाइंग करने की सलाह है।